नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां डेढ़ साल से 30,000 से ज्यादा पात्रता परीक्षा में चयनित शिक्षक नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से 3,000 से ज्यादा चयनित शिक्षक बैनर लेकर भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। चयनित महिला शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आकर आश्वासन नहीं देने तक हम नहीं हटेंगे, साथ ही राखी बांधकर उपहार में नियुक्ति पत्र की मांग कर रही है। राजधानी भोपाल में चयनित महिला शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें, 3 साल से नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और ऐसे में उन्होंने प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि नियुक्ति पत्र दिए जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, महिला शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं शिक्षकों की? बस ये 2018 में महिला पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 शिक्षकों ने एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद जो नियत प्रक्रिया होती है वो पूरा पालन किया गया था। इसके बाद उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, ना ही उनकी नियुक्तियां की गई हैं। उसी मांगों को लेकर, क्योंकि 2018 में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के बाद फिर भाजपा सरकार आ गई, दोनों सरकारें बराबर आश्वासन देती रही लेकिन अभी तक कोई भी उनका हल नहीं निकल पाया। उसी को लेकर आज भाजपा कार्यालय में एक वरिष्ठ तो हमारा संपर्क फिलहाल अरविंद से टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में लगातार महिला शिक्षक प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि नियुक्ति पत्र दिए जाए। 2018 में परीक्षा हुई, उसमें उत्तीर्ण होने के बाद अब महिला शिक्षिका जो है नियुक्ति पत्र की राह देख रही है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से नियुक्ति पत्र की मांग की है।